तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और चाइना के बीच लद्दाख सीमा पर कई महीने से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब सितंबर में हालात ये हैं कि युद्ध की नौबत आ गई है और दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो बॉर्डर पर भारी संख्या में तैनात हो चुकी हैं। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में चीन के साथ स्थिति को जारी करते हुए एक बयान दिया था। कहा था कि हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं लेकिन किसी भी तरह की परिस्थिति को लेकर तैयार हैं। तो चाइना के साथ जब भी बॉर्डर विवाद की बात होती है तो 1962 में जो युद्ध हुआ था वो हमेशा याद आता है, और तब भी चीन ने भारत को धोखा दिया था, अब आज भी ऐसा ही कर रहा है। तो 1962 में भी काफ़ी लंबे वक्त तक सीमा पर तनाव हुआ था और अक्टूबर में युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो इसी दौरान नवंबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में बयान देकर चीन के धोखे की बात कबूली और पड़ोसी देश को जमकर लताड़ा था। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो 1962 का वॉर है आधिकारिक तौर पर अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था जो कि नवंबर तक चला था। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पर जाके चेक कर लीजिएगा। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 नवंबर 1962 को लोकसभा में इस मामले पर भाषण दिया था जिसमें उन्होंने चीन के धोखे का जिक्र किया था। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे और युद्ध के बीच रक्षा मंत्री के पद पर भी तैनात थे। 8 नवंबर को लोकसभा में चीन की निंदा का प्रस्ताव रखा गया था जिसमें चीन पर पंचशील समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखने के बाद सदन में कहा, इस वक्त हम चाइना के बीच सीमा पर युद्ध लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल में चीन ने कई बार घुसपैठ की कोशिश की है जो आज बड़ी संख्या में हर रोज हो रहा है। सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा। सदन को बेहद दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भारत की ओर से शांति के तमाम कोशिशों के बावजूद चीन ने धोखा दिया। चीन ने भारत के साथ हुए पंचशील समझौते को नकार दिया और सीमा पर घुसपैठ कर दिए। इस वक्त देश के जो जवान हैं वो सीमा पर लड़ रहे हैं जिनकी ये सदन पूरा देश जमकर तारीफ करता है। तो अगर बात करी जाए पंचशील समझौते की, तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें मुख्य रूप से 5 पॉइंट्स पर फोकस किया गया था, जैसे कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण से अस्तित्व को स्थापित करने की बात की गई थी। लेकिन चीन ने 1962 युद्ध के वक्त इसका उल्लंघन कर दिया था। तो अगर बात करी जाए मौजूदा स्थिति पर, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या बयान दिया है, तो उन्होंने कहा है कि साफ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के वक्त में चीन के समझौते तोड़ने और सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने का जिक्र किया था। अब मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऐसा ही बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लद्दाख में हालात चुनौती भरे हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि चीन ने 1993 में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था जिसमें सीमा पर गोलीबारी ना करने और सैनिकों की संख्या कम करने की बात कही गई थी, जिसका उल्लंघन किया है। साथ ही जटिल सीमा विवाद पर चीन ने 2003 के बाद कोई ठोस तरीके से बात नहीं की। और राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि चीन ने अप्रैल से ही सीमा पर हलचल बढ़ा दी थी, इसके बाद जून में घुसपैठ की कोशिश की गई, सीमा पर तनाव भी हुआ और भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इसके बाद एक बार अगस्त में झड़प की कोशिश हुई, इस दौरान गोली चली। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि भारत ने समझौते का पालन किया है लेकिन चीन ऐसा नहीं किया कर रहा है। अगर चीन लगातार उल्लंघन करेगा तो तनाव और बढ़ेगा। चीन मौजूदा स्थिति को बदलना चाहता है जो भारत को स्वीकार नहीं है। भारत बातचीत से हल निकालना चाहता है लेकिन किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। तो साथियों, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर चाइना चाहता क्या है। एक तो वैसे ही पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, ऊपर से जो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ चुका है काफ़ी देशों में, जिसके कारण काफ़ी देश भुखमरी के भी शिकार हो चुके हैं। ऊपर से जो चाइना के ही कुछ साइंटिस्ट हैं वही क्लेम करते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान लैब में तैयार हुआ है। उसके बाद जो चाइना द्वारा सीमा पर जो विवाद भी फैलाया जा रहा है जिसके कारण काफ़ी जो सैनिक है वो शहीद भी हो चुके हैं। तो अगर स्थिति ऐसी ही रही तो जो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होना तय है, और इस बार जो भारत है तो भारत इस बार बहुत ही कड़ा सबक सिखाएगा चाइना को। हो सकता है कि चाइना का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाए, तो ये बात चाइना को जान लेनी चाहिए और सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। तो हमारी तो यही राय है कि जो युद्ध है उसको टाला जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर चाइना नहीं मानता है तो हो सकता है इस बार चाइना का नाम निशान मिट जाए पूरी दुनिया के नक्शे से। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा।